हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश की मेजबानी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शानदार आगाज आज से होने जा रहा है। भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम में शाम 7 बजे केंद्रीय खेल और युवा मामलों में के मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक और प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की उपस्थिति में खेल महाकुंभ का रंगारंग शुभारंभ किया जाएगा। इस समारोह में उड़ीसा के इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, स्पोर्ट्स और यूथ वेलफेयर मंत्री तुषार कांति बेहरा और अरुणाचल प्रदेश के खेल मंत्री मामा नटुंग शामिल होंगे। पहली बार मध्य प्रदेश में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह की भव्य तैयारियां की गई हैं। टीटी नगर स्टेडियम के मुख्य ग्राउंड पर लगभग 100 मीटर लंबा स्टेज बनाया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों को दर्शाया गया है। इसमें नर्मदा घाट, खजुराहो मंदिर, भीमबेटका, महाकाल लोक, सांची स्तूप, ओरछा के मंदिर, भेड़ाघाट और ग्वालियर फोर्ट बनाया गया है। खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डिप्टी एडिटर अतुल पाठक जी जुड़ चुके हैं। अतुल जी, आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी, किस प्रकार की तैयारियां जो है हमें देखने को मिल रही हैं? देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स एक बड़ा आयोजन है और आज इस आयोजन की शुरुआत होगी। शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ खेल एवं युवक कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। तो ये एक मेगा आयोजन है और इसके लिए बड़े बृहद स्तर पर तैयारियां की गई हैं और अनेक आयोजन होंगे। पूरे मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया के आयोजन होंगे और मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में प्रदेश के 470 खिलाड़ी 27 विभिन्न खेलों में अपने हुनर का परिचय देंगे और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रदेश के 8 विभिन्न शहरों में हो रहा है। इसमें भोपाल में 9 खेल होंगे, इंदौर में 6 खेल होंगे, ग्वालियर में 4, उज्जैन और मंडला में 2 होंगे, जबलपुर में 4 और बालाघाट, खरगोन में 1-1 खेल का आयोजन किया जाएगा और नई दिल्ली में भी 1 खेल का आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में एथलेटिक्स के 26 खिलाड़ी मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए 3 से 5 फरवरी तक पदकों के लिए मुकाबला करेंगे। DSYW हॉल में 7 से 11 फरवरी तक कुश्ती के मुकाबले होंगे, 21 खिलाड़ी भाग लेंगे बॉक्सिंग के मुकाबले में 5 दिनों तक। भोपाल में 31 जनवरी से 4 फरवरी तक होंगे, इनमें 20 महिला और पुरुष खिलाड़ी पदकों के लिए रिंग में उतरेंगे। शूटिंग एकेडमी की बात करें तो इसके भी मुकाबले 1 से 6 फरवरी तक होंगे। वाटर स्पोर्ट्स होगा, कयाकिंग, कैनोइंग होगी और इसके अलावा वॉलीबॉल के मैच खेले जाएंगे, महिला और पुरुष खिलाड़ी भी इसमें शामिल होंगे, जूडो के मुकाबले होंगे। तो इस तरह के अनेक प्रकार के मुकाबले इस खेलो इंडिया इवेंट के जरिए होंगे। अतुल जी, मध्य प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हो रही है, ये भी जानकारी मिली है कि जो मध्य प्रदेश की धरोहर है उनको वहां पर दर्शाया गया है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी और कौन कौन से मंत्री जो हैं वो आज राजधानी भोपाल के टीटी नगर में उपस्थित रहने वाले हैं? देखिए, मैंने जैसा कि पहले बताया कि इसमें मध्य प्रदेश की धरोहरों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें अनेक तरह के आयोजनों के साथ शहरों को भी सजाया गया है, शहरों की जो खूबसूरती है उसको निखारने की कोशिश की गई है। पहले भी मध्य प्रदेश में ऐसे मेगा इवेंट्स हो चुके हैं, जैसे कि इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई थी, G20 की बैठकें भी मध्य प्रदेश में हो रही। तो विभिन्न इवेंट्स के चलते शहरों को अलग ढंग से सजाया गया है और यहाँ आने वाले खिलाड़ी हों, प्रतिनिधि हों, वो सब यहाँ के संस्कृति से, यहाँ के कल्चर से परिचित हो सके, उनको अच्छी मेजबानी हो, उनका भोजन का इंतजाम, रहने का इंतजाम अच्छा हो, उसके लिए पहले से ही मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं। आज की जहां तक बात है, आज शाम को जब इसका इनॉग्रल फंक्शन होगा तो उसमें खेल एवं युवक कल्याण मंत्री, सूचना एवं प्रसारण विभाग भी जिनके पास से अनुराग ठाकुर, वो शामिल होंगे। मध्य प्रदेश की खेल एवं युवक कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया होंगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो होंगे ही, कैबिनेट के अन्य सदस्य भी इस आयोजन के उद्घाटन अवसर पर मौजूद रहेंगे। अतुल जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।